हेलो नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तन्नो नति टैलेंट। सो फ्रेंड्स, टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस साइंस चैप्टर नंबर 7 थिंग्स अराउंड अस। आवर टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स सेक्शन नंबर 2। प्रीवियस वीडियो में हमने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम 3 मोर कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Let's see now the fifth characteristic. Living things respond to stimuli. Reacting to a change in the surrounding is called a response. A change around us that makes us respond to it is known as a stimulus, that is the plural, stimuli. Every living thing responds in some way or the other to stimuli. तो अब हम देखते हैं living things, living organisms को पहचानने का एक और वे है the stimuli and the response, living creatures को। जैसे कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा और आप उसका आंसर दे रहे हैं, तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, आप उसका आंसर दे रहे हैं, तो आप जो आंसर मुझको दे रहे हैं यानी कि आप मुझको रिस्पॉन्स दे रहे हैं, मुझको सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, तो वो हुआ आपका रिस्पॉन्स। ओके, और सबसे पहले चेंज किसने अकर किया, सबसे पहले क्वेश्चन किसने पूछा, आपके सराउंडिंग में चेंज कहाँ पर अकर हुआ, कैसे अकर हुआ, मेरे क्वेश्चन पूछने से। तो यानी कि मैं स्टिमुलस हूँ, मेरे द्वारा चेंज अकर हुआ है। ओके, तो इस वे से हम ये क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ओके, और ये रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस फंक्शन सभी ऑर्गेनिजम्स में होता है, लाइक ह्यूमंस, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स। ओके, नाउ लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स ऑफ द प्लांट, लाइक अ टच मी नॉट मिमोसा प्लांट इमीडिएटली क्लोजेस इट्स लीव्स व्हेन टच्ड। द नाइट ब्लूमिंग जैस्मिन, रात की रानी, ब्लूम्स ओनली ड्यूरिंग नाइट। तो यहाँ पर टू प्लांट्स के एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो बहुत सेंसिटिव होते हैं टचिंग में। तो यहाँ पर सबसे पहले मिमोसा प्लांट की बात करते हैं, इसे टच मी नॉट प्लांट कहते हैं। सो जब मिमोसा प्लांट को अगर आप टच करेंगे, आप उसको जेंटल टैपिंग देंगे, थोड़ा सा भी छुएंगे, तो वो क्या करता है, अपने लिप्स क्लोज कर लेता है, सडनली क्लोज कर लेता है। क्यों? क्योंकि हमने उसके सराउंडिंग में चेंज अकर किया है, तो हम है स्टिमुलस और उसने हमारे क्या रिस्पॉन्स दिया, उसने लीव्स को क्लोज कर लिया। वो कहना चाहता है कि प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, तो उसका रिस्पॉन्स हो गया leaf closing। okay, so that is the response of the mimosa plant when it is touched, और इसीलिए इसे touch me not कहा जाता है, क्योंकि इसे touch करने पर वो close leaves कर देता है, तो ये कहना चाहता है कि मुझे मत छुओ। okay, और अगर night blooming jasmine की बात करते हैं, रात की रानी, तो जैसे कि of course sun day होता है और फिर night आती ही आती है, तो night में क्या होती है, night blooming jasmine bloom हो जाती है। क्यों? क्योंकि night रॉकर हो गया, नाइट ऑकर हो गया, यानी कि वो स्टिमुलाय उसके सराउंडिंग में चेंज ऑकर हुआ, डे से नाइट में कन्वर्जन हो गया, और वो नाइट ब्लूमिंग जैस्मिन नाइट का रिस्पांस किस तरह से दे रही है, रात की रानी खिल कर दे रही है, वो ब्लूम हो जाती है नाइट में। ओके, और लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाय, बहुत सारे लिविंग थिंग्स, सारे लिविंग थिंग्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, सभी रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाय को, और बहुत सारे स्टिमुलाय होते हैं लाइक हीट, कोल्ड, शार्प ऑब्जेक्ट्स, स्मेल एक्सेट्रा। तो ये सब स्टिमुलाय के वे होते हैं, यानी कि किस तरह से लिविंग थिंग के सराउंड में चेंज अकर हो सकता है और वो किस तरह से उसको रिस्पॉन्स देता है। लाइक हीट, कोई भी गर्म चीज होती है तो हम उसको छूते हैं तो हमें गर्मी लगती है। ओके, कोल्ड चीज में कोल्ड कूल महसूस होता है। शार्प ऑब्जेक्ट्स, अगर हम कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट्स जैसे कि नाइफ वाइफ छू लेते हैं तो हम आउच करते हैं, यानी कि हमें हर्ट होता है। स्मेल की बात करते हैं तो लाइक अगर हमें कोई फूड अच्छा सा खुशबूदार मिल जाता है तो हम बहुत खुश होते हैं, तो ये सब हमारे रिस्पॉन्सेज हो गए। और हीट, कोल्ड, शार्प ऑब्जेक्ट, ये सब स्टिमुलाई हो गए। लाइक यहाँ पर आप पिक्चर भी देख सकते हैं, फोल्डेड लीव्स ऑफ मिमोसा प्लांट व्हेन टच्ड, तो मिमोसा प्लांट को टच करने पर वो सडनली अपने लीव्स को क्लोज कर देता है। स्कैट बॉय रनिंग, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डरा हुआ बॉय है वो भाग रहा है। क्यों भाग रहा है? उसको किसी ने परेशान किया होगा, उसको किसी ने डिस्टर्ब किया होगा, यानी कि किसी ने उसको स्टिमुलस दिया होगा फियर, तभी तो वो भाग रहा है उस फियर से, तो वो उसका रिस्पॉन्स हुआ।
Science in context, firefly eggs flash their light in response to stimuli such as gentle tapping or vibrations. तो firefly eggs ये एक creature होता है जिसको अगर आप gentle tapping यानी कि थोड़ा सा भी छूते हैं उसको और या तो उसको वाइब्रेशन देते हैं यानी उसको हिलाते हैं तो वो क्या होता है अपना हमने तो उसको स्टिमुलस दिया और वो अपना रिस्पांस लाइटिंग से देता है वो पूरी तरह प्रकाश फैला देता है तो दैट इज हिज इट्स यू कैन से दैट इज द रिस्पांस ओके नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सक्रीट तो अब हम देखते हैं कि एक्सक्रीट क्या होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सक्रीट व्हाट डज इट मींस ऑल लिविंग थिंग्स रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम देयर बॉडी थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन एनिमल्स रिमूव और एक्सक्रीट वेस्ट्स इन द फॉर्म ऑफ यूरिन स्वेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स एक्सक्रीट वेस्ट्स इन द फॉर्म ऑफ सेक्रीशंस सच एज गम एंड रेजिन्स एंड एक्सेस वाटर एज वाटर वेपर तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सक्रीट ये सिक्स कैरेक्टरिस्टिक है जिससे हम ये क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है बात करते हैं ऑल लिविंग थिंग्स जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सभी अपने बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर किसी भी ऑर्गेनिजम्स की बात कर ले चाहे वो एनिमल्स हो गया ह्यूमन बींग्स हो गए प्लांट्स हो गए तो वो सभी अपना वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीशन वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना बॉडी से बाहर निकालना वो हो गया एक्सक्रीशन प्रोसेस तो ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर इसलिए निकाला जाता है क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता लाइक हमें स्वेटिंग होती है तो स्वेटिंग स्किन से निकलती है तो ये जो स्किन है ये स्किन एक एक्सक्रीशन मीडियम का काम कर रहा है और जो स्वेट है वो एक्सक्रीट हो रहा है क्योंकि स्वेट बॉडी में उसका कोई काम नहीं है वो तो एक वेस्ट प्रोडक्ट बन चुका है ओके तो इसलिए उसको बॉडी के द्वारा रिमूव किया जाता है थ्रू द डिफरेंट मीडियम्स लाइक एनिमल्स की बात करते हैं तो वो अपना वेस्ट प्रोडक्ट किस तरह से एक्सक्रीट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन की तरह स्वेट से भी वो रिमूव करते हैं पसीना से भी रिमूव करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लाइक हम ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं एनिमल्स भी ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं तो ऑक्सीजन ब्रीथ करने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज नहीं करेंगे तो वो तो एक वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारे बॉडी के लिए तो यूजफुल नहीं है हमारे बॉडी के यूजफुल तो ऑक्सीजन है तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को हम वेस्ट प्रोडक्ट के थ्रू बाहर निकाल देते हैं एंड एनिमल्स ऑल्सो डू लाइक दिस प्लांट्स की बात करते हैं तो वो अपना वेस्ट प्रोडक्ट कुछ सेक्रीशंस यानी कि उनमें से कुछ सेक्रीशंस जो निकलता है लाइक अगर आप बात करते हैं गम गम जिसे गोंद कहा जाता है रेजिन्स होते हैं और एक्सेस वाटर एज द वाटर वेपर आप देखते होंगे यूजुअली इन द मॉर्निंग की जो लीव्स होते हैं लीव्स के ऊपर स्मॉल स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स रहते हैं तो वो इसलिए रहते हैं क्योंकि जो सन की रेज लीव्स पर पड़ती है तो लीव्स में तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चल रहा होता है वो लीव्स के वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है क्योंकि वो एक्सेस वाटर हो जाता है और एक्सेस वाटर यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट तो इसलिए वो वाटर रिमूव हो जाता है और गम्स और रेजिन्स भी कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो प्लांट से निकलते हैं वो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स कहलाए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस So what is the reproduce? Let's see. All plants and animals reproduce their own kind. Plants reproduce through seeds, spores and other plant parts. Animals reproduce by laying eggs or by giving birth to young ones. So living things ko classify karne ka ek aur zariya hai reproduction ko dekhna. So sabhi plants, animals, human beings, birds, sabhi creatures अपने एक नए जनरेशन को बॉन्ड करते हैं अपना एक अपना ही क्रिएचर का अपने ही काइंड का एक नए बीइंग एक नए लिविंग थिंग को बॉन्ड करते हैं नए लिविंग थिंग को जनरेट करते हैं तो उसे कहते हैं रिप्रोडक्शन लाइक ह्यूमंस की बात करते हैं तो ह्यूमंस अपनी जनरेशन को किस तरह से बॉन्ड करते हैं थ्रू द बॉन्डिंग द बेबीज ओके और वही बेबीज थ्रू द चाइल्ड बनते हैं चाइल्ड के बाद वो एडल्ट बनते हैं एंड एडल्ट के बाद वो ओल्ड बनते हैं एंड फाइनली दे डाई तो रिप्रोडक्शन वही हुआ कि जब नए जनरेशन को एक लिविंग क्रिएचर
बॉन्ड कर रहा है, जनरेट कर रहा है, तो वो हो गया रिप्रोडक्शन। प्लांट्स में देखा जाए तो प्लांट्स अपनी जनरेशन यानी कि प्लांट्स अपनी ऑन काइंड को किस तरह से बॉन्ड करते हैं। लाइक मैंगो की ट्री होगी, तो मैंगो की ट्री से हम मैंगो लेते हैं। अब मैंगो की ट्री की जो मैंगो की सीड जो होती है उसको, मैंगो की सीड से ही हम उसके नए ट्रीज को बॉन्ड कर सकते हैं, हम उसके नए ट्रीज को ला सकते हैं उसको थ्रू थ्रू मेकिंग इट इन द सॉइल। ओके, और सिर्फ सीड से ही नहीं, प्लांट्स में स्पोर्स और बहुत सारे अदर प्लांट पार्ट्स भी होते हैं। लाइक लीव्स की बात कर दे, रूट्स की बात कर दे, तो इन सब से भी रिप्रोडक्शन हो सकता है। प्लांट्स इन सब से भी नए जनरेशन को बॉन्ड कर सकते हैं। एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स और बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस। तो एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स या तो यंग वंस को बॉन्ड करते बर्थ देते हैं या तो वो एग्स देते हैं। लाइक यहाँ पर आप देख सकते हैं हैन लेज एन एग। तो हैन इसलिए ए को लैग कर रहा है क्योंकि उसे एक नया जनरेशन बॉन्ड करना है। ओके, और यहाँ पर देख सकते हैं थ्रू द नेक्स्ट प्रोसेस अ चिक कम्स आउट ऑफ द एग। तो श्योरली उसने एग चिक को बॉन्ड करने के लिए दिया है तो उसी से चिक निकलकर बाहर आ गया है। ओके, तो ये होता है एनिमल्स, लिविंग क्रिएचर्स, जितने भी लिविंग क्रिएचर्स है, ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड बर्ड्स, इन सब में रिप्रोडक्शन होता है। इस वे से हम लिविंग थिंग्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। और अगर आप बात कर दें नॉन लिविंग थिंग्स की, नॉन लिविंग थिंग्स जिनमें जान नहीं होती, और क्या नॉन लिविंग थिंग्स, आप अगर आप एक गार्डन में पत्थर देखते हैं, स्टोन देखते हैं, तो क्या आप ऐसे देखेंगे कुछ दिन के बाद उसके सामने एक और स्टोन आ गया, छोटा सा बेबी स्टोन? नो, क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। सो दिस इज द ऑल टॉपिक अबाउट द लिविंग थिंग्स कैरेक्टरिस्टिक्स सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 3 में मैं आपको इसके फर्दर 2 टॉपिक्स और बताऊंगा। सो इफ यू लाइक माई वीडियो, give a like and subscribe to my YouTube channel and never forget to press the bell icon. Thank you. Have a nice day.